हाँ तो ये कैसे हो गया? बहुत दिनों से जंग चल रही थी सिमर और पाताली देवी की, और उस उधर पाताल लोक में, और इधर हमारी जंग चल रही थी सिमर की बॉडी को बचाने की, जिसमें हम लोग फाइनली कामयाब हो गए। बिकॉज़ अगर बॉडी जल जाती सिमर की और वहाँ सिमर जीत के वापस आती तो फिर वो किसके शरीर में जाती। तो हमने सिमर की बॉडी बचा ली, वहाँ सिमर ने अपने आप को बचा लिया, पाताली देवी को मार दिया। नाउ सिमर इज़ बैक इन हर बॉडी एंड शी इज़ बैक। देखिए वहाँ की जंग तो अलग जगह चल रही थी, हम लोग वहाँ पे थे नहीं। यहाँ की बहुत जंग हुई सिमर की बॉडी को बचाने की कोशिश करते हुए। मैं घर वालों के सामने गलत प्रूव हो गया। एंड तक मतलब ये हुआ कि शायद हम सिमर की बॉडी जला देंगे, लेकिन किस तरह उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं हम लोग, मोस्टली तो यही है अभी तक कि बचाने में कामयाब हो गए हैं। वो एक जर्नी है। तो वो देखिए किसका दिमाग था कि भरी बाजार में से बॉडी उठाना ले जाना? देखिए प्लानिंग तो सारी मेरी ही थी और मेरा साथ जानवी ने दिया। एक पॉइंट पर आके मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचा पाऊंगा सिमर को, जब घर वाले मेरे अगेंस्ट हो गए और आखिरी कोशिश करने के बाद ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसे लोग अपना एक मोहरा प्लांट कर देते हैं, मैंने जानवी को प्लांट कर दिया था अंदर। देखो क्योंकि मैं उसकी मेंटल स्टेट समझता हूँ कि अगर किसी की बीवी मर गई है और उसका दोस्त बोल रहा है मैं उसके शरीर को उठा के ले गया देखने के लिए कि वो सच में मर गई है कि नहीं, तो ऑब्वियसली वो फ्रेम ऑफ माइंड में कोई भी इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो प्रेम बींग माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा इतना क्लोज दोस्त है, तो मैं उसकी वो समझता हूँ दिमागी हालत, इसीलिए मैंने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया और मुझे पता था कि वो किस उससे गुजर रहा है। हाँ अभी अब जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली आई नो ही विल कम एंड से सॉरी टू मी, तो यू नो माफ़ करना हमारी आदत है।